हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल आपको धान के लहलाते खेत के विजिट कराऊंगी, वो भी बिल्कुल नेचुरली। आप देखिए, इसमें कोई भी एडिटिंग मैंने नहीं करी है, पूरा एकदम से जैसे खेत का व्यू दिया है। कोई भी मैंने इसमें म्यूजिक कुछ भी इसमें नहीं एडिट किया है, आपको डायरेक्ट धान के खेत में लेके जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये लगभग 15 दिन पहले आप देखिए कि धान की फ्लावरिंग स्टेज है, यानी कि इस समय धान में फूल आ रहा है। ये धान का फूल होता है, शुरुआत में धान की वाली जैसा ही लगता है। ऊपर से आप देखते हो रोए रोए जो चीज़ है, ये इसके पॉलन है और इसमें पराग की प्रक्रिया जो है इस वक्त चरम पर है, यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए कितने सुंदर सुंदर बालियां निकली हुई है, जिसमें रोएं लगे हुए हैं। ये इसके फ्लावरिंग स्टेज है। अब देखिए, ठीक 15-20 दिन बाद, यानी कि अगर हम बात करते हैं 22-23 अक्टूबर की, तो देखिए कितना ही अच्छे से ये इसमें बालियां तैयार हो गई हैं। और अभी जब मैंने इनको जब इस प्लॉट का देखा, विजिट किया खेत का, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इस समय तो गांव में धान का खेत देखने लायक है और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये जो बाली है पूरी तरीके से पकना शुरू हो गई है, इसको हम लोग डफिंग स्टेज कहते हैं, यानी कि जब दूध पड़ने के बाद बाली में अनाज बनना शुरू हो जाता है तो वो डफिंग स्टेज कहलाता है, सूखना शुरू होता है। देखिए, इसमें अंदर जो है धान में चावल तैयार हो चुका है, यानी कि ठीक आज से 10 दिन बाद ये धान आपका काटने के लिए तैयार हो जाएगा और ये घर तक पहुंच जाएगा, आपके घरों तक पहुंच जाएगा और तरह तरह के इसे आप पकवान बनाएंगे। तो मैं जब इस फील्ड में घूम रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आज की इस नेचुरल ब्यूटी को आप तक ज़रूर लाना चाहिए। भले ही आप शहरों के बंद कमरों में रहें, फ्लैट्स में रहें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको इस वीडियो देखने के बाद ज़रूर महसूस होगा कि आपने एक गांव की सैर की है, एक खेत का विजिट किया है। इसमें चिड़ियों की चहचहाती आवाज़, दूर से आता हुआ व्हीकल्स का शोर और इतना शांत सा वातावरण और ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ दिखने में कितनी ही अच्छी है, सुंदर है। जब गांव में जाइए तो इस वक्त पूरा चारों तरफ खेत हरे भरे लग रहे हैं और अक्टूबर में धान पकने की स्थिति में आ चुका है। हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही है, दूर दूर तक सिर्फ धान ही धान। तो फ्रेंड्स, आप भी आज इस वीडियो के माध्यम से 5 मिनट के लिए इस गांव में आप भी घूम लीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ।